नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। चलो, हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रखा था। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे थे। उस एप्लीकेशन में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें 1D बॉक्स कंप्लीट करवा दिया था, उसका वेव फंक्शन निकाल लिया था हमने और उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी कराऊँगी। तो चलो, अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। सबको पता है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। मीन्स हाइड्रोजन एटम के पास दो पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन जैसे और एटम्स जैसे लिथियम प्लस, इन तरीके के हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू, इन इस तरीके के एटम्स को भी हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स ये जो मैं आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कराऊंगी, ये उनके लिए कराई जाएगी जिनमें वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम ये स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट जो सिस्टम है वो हाइड्रोजन का है, इसलिए हम हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को हाइड्रोजन के लिए ये स्टडी करा रही हूँ, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमने लिखा होगा, आपको याद होगा HSI इज इक्वल टू ESI की फॉर्म में लिखा था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी वो था HSI इज इक्वल टू ESI। याद करो, हमने एक हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था। H की जो वैल्यू है ये एक ऑपरेटर है, हैमिल्टन ऑपरेटर, और इस H की जो वैल्यू होती है वो होती है -H²/8π²m²+V, ये होती है इनटू साई इज इक्वल टू ESI। यहां तक क्लियर? सिंपल सी चीजें हैं जो हमने पहले ही पढ़ी थी। अब मैं यदि इसको, जो आप इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है स्पेस में, मींस मैं एक्स वाई और जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट्स के लिए इस इक्वेशंस को, स्पेस में जो पार्टिकल मूव करता है उनके लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस मैं लिखती हूँ, तो मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। ∇²∇x²+ ∇²∇y²+ ∇²∇z²+ में 8π²m²E-V ψ=0। इस इक्वेशंस का यूज करेंगे हम, और पहले इस इक्वेशंस का यूज करते हुए हाइड्रोजन के लिए कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे। फिर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इनका जो पाथ होता है वो स्पेरिकल पाथ होता है, इसलिए हम इनको कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स को, जो कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, इन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो हम काम करेंगे वो क्या काम करेंगे, सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे
किस फॉर्म में? कार्टिजन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। मीन्स यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई हाइड्रोजन के लिए, किस में? कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में। फिर हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो एक स्पेरिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, और जब स्पेरिकल पाथ में मूव करते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आर, थीटा और फाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम इनको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। यहाँ तक का पोर्शन मैं आज की क्लास में कराऊंगी। कल जो है वो हम इन जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अब ये जो चेंज हो गया, उसके बाद हम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करेंगे और वहाँ से इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे। ठीक है, तो पहले आप ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रही हूँ। देखो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, इस इक्वेशंस को नंबर वन दे दो। पोटेंशियल एनर्जी वी इक्वल टू होता है, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं इन्फिनिटी से उसके रेडियस तक, मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इनफाइनाइट से उसके ऑर्बिट में लाना चाहती हूँ तो वो इनफाइनाइट से ऑर्बिट में लाया जाएगा, और फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ये होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर इसकी रेडियस है, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस, और जेड ई जो है ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज और आर रेडियस, इसके ये इक्वेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की। इस इक्वेशंस को, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, और जैसे ही मैं इस इक्वेशन नंबर वन में ये पुट वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एट पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई। अब देखो यहाँ माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। तो क्या बनाइए? प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गई हाइड्रोजन की श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, किस में? कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में। कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली। ये इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स। अब मैं इस कार्टिजन कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन है इसको पोलर
उसमें कन्वर्ट करूंगी। तो यहां पे लिखेंगे हम कन्वर्ट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फ्रॉम कार्टिजन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसमें कन्वर्ट करना है हमें, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हमें इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप पता है और वो आपको ध्यान रखना है। एक्स वाई और जेड ये क्या क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या होती है। एक्स होता है आर साइन थीटा कोस फाई, तो थीटा और फाई की फॉर्म में आ गया। वाई जो होता है वो होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड जो होता है वो होता है आर कोस थीटा। ये वैल्यूज जब मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूं, एक्स वाई और जेड वाली ये वैल्यूज जब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए यूज करती हूं, तो मेरी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो आती है, अब वो भी आपको डायरेक्ट याद करनी है। उसको याद करने का भी एक तरीका बता दूंगी मैं आपको। ऑन चेंजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को चेंज किया, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं वो बता रही हूँ। ये वैल्यू आती है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल आर आर स्क्वायर डेल डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा डेल स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर और साई। इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज है भी, एक्स वाई और जेड यहां तक की इक्वेशंस ये है। याद करने का तरीका देखो आप, उसके बाद तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बाद की तो ऐसे कैसे है, प्लस में 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल टू 0। अब देखो याद करने का तरीका देखो, याद करने का सबके में देखो, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है हमने तो नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है तो नीचे साइन थीटा आ रहा है, फाई के रेस्पेक्ट में किया है तो नीचे फाई आ रहा है साइन स्क्वायर फाई। अब याद रखना है यहाँ स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब वन फॉर्म वन पावर, और यहाँ फिर से स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर
आर के रेस्पेक्ट में भाई, पहली जो हमारा एक्स था उसकी जगह हमने आर वाली फॉर्म लिखी है, ठीक है। तो ये रहा, ये फॉर्म कैसे बनी आर वाली, देखो वन अपॉन आर स्क्वायर, जब आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन अपॉन आर स्क्वायर, जब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वन अपॉन साइन थीटा, जब फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर फाई। अब आता है अंदर वाला मामला, डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल डेल आर, भाई आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ गया वही, यदि बाहर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अंदर स्क्वायर होगा, यहाँ साइन थीटा है तो अंदर भी साइन थीटा ही होगा। डेल डेल थीटा, देखो सेम चीजें चल रही है, डेल डेल आर, यहाँ डेल डेल थीटा, अब यहाँ आर वाली वैल्यू थी, यहाँ स्क्वायर आया था, यहाँ साइन थीटा आया है, डेल डेल थीटा प्लस, ये तो सिंपल सी चीज़ है, वन अपॉन साइन स्क्वायर फाई लिखते ही डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर साई इक्वल टू, फिर आपके ये आ जाए, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, ये तो एज इट इज़ आएगी, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो आगे का पोर्शन है वो तो एज इट इज़ आया, ये जो है एक्स वाई और जेड वाले जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको हमने आर थीटा और फाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये जो इक्वेशन है साई वेव फंक्शन है, वेयर साई वेव फंक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है ये, अब यहाँ पे तो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ साई वेव फंक्शन है जो कार्डिजन कोऑर्डिनेट, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई का फंक्शन है, साई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर थीटा और फाई, इन तीन का फंक्शन है। ये थी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, किसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इस साई को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना, क्या आएगा वन अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस वन अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एट पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल टू जीरो। यह इक्वेशन हाइड्रोजन की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हम कल की जो क्लास में आगे जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, आर पोलर कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करेंगे, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करेंगे और फाई कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करेंगे, हर एक कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम इनके वेरिएबल्स को कैलकुलेट करेंगे, वो वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए हम साई वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो कल की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते इसको, सीधा सा लर्न करने का था कि एक्स को क्या कहा, वाई को क्या कहा और जेड को क्या कहा। या तो आप उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसोगे तो एक डायग्राम की फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके जो लेवल का है वो उतना मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। जब आप MSc करोगे तो आप इसको पूरे को एक्स, जो हमने एक्स को माना है ना आर साइन थीटा साइन फाई कोस फाई, वो भी कहाँ से माना है उसको भी बताया हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतने की ज़रूरत है, आपको वो याद करना है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x इक्वल टू ये होता है, y इक्वल टू ये होता है और z इक्वल टू ये होता है। जब हम इन कार्डिजन कोऑर्डिनेट्स की जगह ये पोलर कोऑर्डिनेट्स फिट करते हैं तो हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, फिर आप सीधा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिख सकते हो।
क्योंकि उसके बाद भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ही आई है, इसमें अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तब हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी और तभी हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी। इसलिए अब इसको सोल्व करने के लिए हम इन कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेपरेशन सिखाऊंगी, सेपरेशन करने के बाद हम इनके लिए वेव फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।